वेलकम टू तनीषा ब्लॉग। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी पकौड़ा। और कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 कप बेसन ले ली हूँ। 1 कप बेसन से मैं पकौड़ा की घोल रेडी करूँगी और 1 कप बेसन में मैं कढ़ी का बेस रेडी करूँगी। तो सबसे पहले मैं पकौड़ा की घोल रेडी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे एक बड़ा बॉल में मैं 1 कप बेसन डाल दी हूँ। साथ ही मैं डाल दी हूँ बारीक कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, क्रश की हुई 1 चम्मच अजवाइन, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला, स्वादानुसार नमक, सब डाल के मैं अब हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। तो यहाँ पे सारा मसाला मैं डाल दी, नमक भी मैं इसमें डाल दी। अब मैं हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे पहले हाथ से मिक्स करके फिर मैं थोड़ी थोड़ी सी इसमें पानी डाल के अच्छे से घोल बना लूंगी। एक ही बार ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, नहीं तो ज़्यादा गीला हो जाएगा, ज़्यादा ढीला होगा तो पकौड़ा का शेप अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से घोल बना लूंगी। तो यहाँ पे मेरा ये पकौड़ा का घोल रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट छोड़ूंगी। तो यहाँ पे मैं अब इसको ढक दे रही हूँ और 10 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ। 10 मिनट मैं इस पकौड़ा को छान लूंगी। जब तक ये 10 मिनट हो रहा है तब तक इधर मैं कढ़ी की बेस रेडी कर ले रही हूँ। तो कढ़ी की बेस बनाने के लिए यहाँ पे मैं मिक्सी जार की यूज़ करूँ, मिक्सी जार में ही इसको ग्राइंड करूँगी। तो यहाँ पे मैं मिक्सी जार में 1 कप बेसन डाल दी, साथ ही मैं 1 कटोरा दही डाल दी। दही थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए, तभी कढ़ी का टेस्ट अच्छा लगेगा और अच्छा कढ़ी बनेगा। तो 1 कटोरा मैं दही डाल दी हूँ और साथ ही मैं डाल दी हूँ हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक डाल के मैं इसको मिक्सी जार में अच्छे से ग्राइंड कर ले रही हूँ। यहाँ पे ये हो चुका है। अब मैं इसको खोल के एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। यहाँ पे मैं दही के सिवा पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं की हूँ। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। यहाँ पे पानी बेसन का 4 गुना पानी डालना है, जितना मैं बेसन डाली थी उसका 4 गुना पानी डालूंगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं इस बेस को निकाली, अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और फिर इसको भी मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी कि अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ पानी डाल के। अब मैं इसको भी ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ। जब तक इसको 10 मिनट हो रहा है तब तक मैं इधर पकौड़ा को छान लेती हूँ। ये 10 मिनट हो चुका है, अब मैं इस पकौड़ा को छान लूंगी। इसके घोल को मैं पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दी थी, तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें हाथ से इस तरह से ये बेसन की घोल डाल के मैं पकौड़ा रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा डाल दी, अब ये पकौड़ा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मैं इसको छान लूंगी। देखिए कितना मस्त पकौड़ा फुला फुला सा बना हुआ है, कलर भी कितना मस्त लग रहा है। इसी तरह से मैं सारे घोल के पकौड़ा रेडी कर लूंगी। यहाँ पे ये हो चुका है, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पकौड़ा निकाल के एक प्लेट में रख ली। अब मैं जितना बचा हुआ घोल है उसका भी मैं पकौड़ा रेडी कर लूंगी। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। तो अब मैं तड़का लगाऊंगी कढ़ी के बेस में। तो देखिए यहाँ पे मैं तड़का के लिए डाल दी हूँ कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दी हूँ तेल, तेल गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैं डाल दी 2-3 पत्ता तेज पत्ता का, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी मेथी दाना। मेथी दाना सबसे लास्ट में डाली हूँ क्योंकि ये जल्दी पक जाता है। और साथ ही में डाल दी हूँ मैं प्याज का पेस्ट, और प्याज के पेस्ट में प्याज में मैं पिछले टाइम डाली थी थोड़ी सी जीरा, तो उसको भी मैं प्याज के साथ ही पीस ली थी। और ये डाल के मैं अच्छे से इसको पका ले रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैं प्याज को अच्छे से भून रही हूँ। प्याज मेरा रेडी हो चुका है, इसका जितना भी कच्चा पानी था सब जल गया है और प्याज तेल छोड़ दिया है। तो प्याज पक के रेडी हो गया था। तो अब मैं फिर से जो कढ़ी की बेस रेडी करके रखी थी उसको मिक्स करके इसमें डाल दी हूँ और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं। और अब इसमें उबाल आ चुका है, तो अब मैं इसमें पकौड़ा डाल रही हूँ। कढ़ी में उबाल आ गया था तो अब मैं इसमें पकौड़ा डाल के इस तरह से दबा दबा के इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और फिर मैं इसको ढक के अच्छे से पका लूंगी। तो देखिए यहाँ पे ये करीब 15-20 मिनट इसको मैं अच्छे से चलाते हुए पकाई हूँ ढक करके। तो ये अब पक चुका है और यहाँ पे मेरा कढ़ी पकौड़ा बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। इसका थिकनेस भी चेक कर रही हूँ मैं उठा के, तो ये कितना मस्त बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें फिर से तड़का लगाऊंगी कढ़ी पकौड़ा में। तो ये रेडी हो चुका है, अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और यहाँ पे तड़का रेडी कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं तड़का के लिए तेल डाल दी हूँ, तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी जीरा, सूखी लाल मिर्च, ये दोनों अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ता और फिर साथ ही में डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी और थोड़ी सी हींग। ये तड़का रेडी हो चुका है, अब मैं कढ़ी पकौड़ा में ऊपर से इस तड़का को लगा दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तड़का को अब इसमें डाल रही हूँ। तो ये कढ़ी पकौड़ा का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।